कहाँ बैठ कर खानी है। हेलो गाइस, कैसे हो यार? नया दिन नया ब्लॉग। नाक थोड़ा सा बंद है कोल्ड के कारण, रोज रात को मुझे हो जाता प्रॉब्लम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा क्योंकि धूप है, धूप पे थोड़ा सा बैठ के ठीक हो जाएगा। सो कल वाला ब्लॉग कैसे लगा सबसे पहले, और परसों वाला ब्लॉग जो मेरे फ्रेंड्स के साथ था वो कैसे लगा आपको? लाइक कॉमेंट तो ज़रूर करते हैं, वो करके बताना मुझे, ठीक है। और आज के ब्लॉग में खास चीज़ें कुछ रहेगी, सरप्राइज होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके अभी देखूँगा कि मम्मा क्या करते हैं। तो उठाऊँ 8:30 बजे या 8:30 बजे उठाऊँ और नीचे जाके देख रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। आलू फिर आलू नहीं, मैं तेल वाले आलू बनाऊंगी। आलू खाना मन तो नहीं, कोई भी चीज बना लेंगे। कितने सोने बने हैं ना। मैं खड़े आलू यार, कहीं काम आ रहा आलू तो बोल तो प्लीज। दाल वाली है, आलू ने रात वाली दाल को तड़का लगाया और साथ में आलू दिए, कुरकुरी पराठे दिए साथ में। सो ये खाएंगे फिर करेंगे कोई अगला काम। अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आज मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बताना नहीं चाहता क्यों ख़राब है, बट हाँ मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी ख़राब मूड के चलते हुए मैंने खाना नहीं खाया और मैंने बाहर से आज कुछ ऑर्डर किया जो कि है बिरयानी। तो मैं बिरयानी खाऊँगा और बिरयानी खाने के बाद मैं सो जाऊंगा। आज का व्लॉग ठंडा रहेगा मेरे मूड के चलते हुए क्योंकि मूड की माँ बहन एक हो रखी है। चलो लेट्स वेट फॉर बिरयानी और उसके बाद देखते हैं कौन सी बिरयानी आएगी, क्योंकि रैंडमली ऑर्डर की है, मुझे भी नहीं पता लगा मैंने कौन सी ऑर्डर की है, बस कर दी है। वेज हो सकती है, नॉन वेज हो सकती है, बट हाँ मूड की तो माँ बहन हो रखी है। ये बात शेयर करनी नहीं चाहिए वैसे, मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बात करने को है ही नहीं कोई। राजमा चावल बनन लगे आ ते ननू अदरक पापा दे रही है चटनी कुटन वास्ते। इतना ज्यादा पाना अदरक चटनी च? गरम है ना, गरम है अदरक। ए पेट दर्द वास्ते बहुत जा बद हजमी जनु ज्यादा हुंदी होवे उन वास्ते बेस्ट है चटनी। पापा पुदीना कुट रहे हो तो बाद लहसुन पान के तो बाद अदरक पान के तो बाद अनार दाना पीसी अनार दाना। शुगर दे पेशेंट्स ली दवाई बढ़िया दे ना, बहुत ज्यादा गुड। किदा फिर रोटी दे नाल खानी है तो बासी रोटी ना खानी ताजी ना ताजी ने खा लो, बस जी मर्जी खा लो अंदर जानना मतलब है। सो नन्नू आज बना रहे हैं राजमा चावल और रोटियां पक चुकी हैं। राजमा हो गए, यहाँ राइस है, राइस भी हो गए हैं, रोटियां कुछ कम खाएंगे क्योंकि तो राइस ज़्यादा खाएंगे। पापा ने चटनी के साथ खानी है आज। ओ स्पेशल बनाई उन्होंने बैठकर। सही है। तो फुलके मेरे फूले फूले के बन रहे हैं। नन्नू ने बना दिया है राजमा और चावल। यार राजमा देखो इतना बढ़िया लग रहे हैं, मैं कभी ऐसे राजमा नहीं बना पाया, बट उन्होंने भी बहुत टाइम बाद बनाया है कि आज दिमाग लगाया ना इन्होंने। ऐसे ही चाहिए थे मुझे राजमा। चावल बन चुके हैं, अब हम जाएंगे सीधा अंदर। की कहाँ बैठ कर खानी है? अंदर कमरे कपड़ा भी शाओ यार। ओके तो टेस्ट के लिए इन्होंने छोटे से राजमा चावल दिए और इसको ढक लो, मच्छर वगैरह टल जाएगा। तो प्लेटें उठा रहे नन्नू, अभी हम खाएंगे डिनर करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि आज काफी मजेदार दिन रहा हमारा। सोकर कुछ भी नहीं किया, सोकर बिताया
क्योंकि लाइट रात की जा रही थी बहुत ही ज्यादा, तो दिन में भी बहुत गई। बहुत ज्यादा बीमार थी आज मैं, मतलब सिर को मदद नहीं। कूलर की हवा के कारण रात को ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं आज और कल दो तीन दिन नीचे ही सोऊंगा। तो शुरू करता हूँ मैं बेसन वाला दूध बनाना। और पुराना व्लॉग जिसने देख लिया वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक कमेंट डेफिनेटली मैंडेटरी है, वो भी करके जाना। आज तो मुझे बात भी नहीं आ रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सो आज डेफिनेटली आराम रेस्ट डे, कल भी रेस्ट डे था, आज दो दिन। पर व्लॉग बनाना नहीं बंद करूँगा मैं, व्लॉग मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा देसी घी डाल दिए इसमें मैंने। देसी घी के बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब बेसन जाएगा इसमें, ये देखो। ठीक है, इतना इसमें डालेंगे बेसन। और इसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है, थोड़े से इलायची, दो इलायची कूट के इसमें डाल दूंगा। इलायची के बाद इसमें मैं डालूंगा दो लौंग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दो तीन छोटे छोटे जो साबुत काली मिर्च होती है वो, अभी इसमें ये डाल दूंगा। थोड़े एक 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 मिनट पकाना है सिर्फ, इसका कलर चेंज ही करना है। दवाइयाँ खाने का टाइम आ गया, साथ साथ मूवी देख रहा हूँ मैं, साथ साथ दवाई खा रहा हूँ। सो गाइस आ चुका हूँ मैं, और आज मैं नहाया नहीं, मैं गलती मानता हूँ अपनी। सो ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा काम करूँगा और उसके बाद जाऊँगा सो। मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मे बी गला ठीक हो जाए थोड़ा सा। तो लव यू ऑल, एंड जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, यहाँ बेल आइकन भी होगा, यहाँ या यहाँ वो भी कर देना। बाय।